हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के ऊपर। देखो, इकोस्प्रिन टैबलेट के अंदर एस्पिरिन एज अ कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये जो एस्पिरिन है वो NSAID कैटेगरी में आता है, मतलब नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर वो आता है। और ये जो एस्पिरिन है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। देखो, इकोस्पिरिन मार्केट के अंदर 75 mg, देन 150 mg और 325 mg के अंदर प्रेजेंट है। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ इकोस्प्रिन। देखो, इकोस्प्रिन हम कहाँ पर यूज करते हैं? हार्ट अटैक से बचने के लिए हम इकोस्प्रिन देते हैं। जनरली जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आया था उनको बाद में फिर से हार्ट अटैक न आए, इसलिए इकोस्प्रिन दी जाती है। स्ट्रोक से बचने के लिए इकोस्प्रिन देते है। देन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे रिड्यूस करने के लिए भी इकोस्प्रिन का यूज किया जाता है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके ब्लड के अंदर है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल हम उसे कहते हैं, उसे रिड्यूस करने के लिए भी इकोस्प्रिन देते हैं। और जब हम इकोस्प्रिन के हाई डोसेज देते हैं, मतलब 325 mg के अबव जब हम डोज देते हैं, तो वो एज अ पेन किलर एक्ट होती है, मतलब इकोस्प्रिन भी पेन रिलीफर के जैसे वर्क करती है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो, एस्पिरिन ये एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करता है। मतलब क्या? देखो, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो ये प्लेटलेट्स जो होती है वो खुद के साथ जोड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एस्पिरिन क्या करता है, इन प्लेटलेट्स को जोड़ने से रोकता है। तो इसके वजह से जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो ऐसे एस्पिरिन वर्क करता है। आगे देखते हैं डोसेस, कितने डोसेस हमें लेने हैं। देखो, जो इकोस्प्रिन टैबलेट है वो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद, यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लेना है। ये जो टैबलेट है वो आपको खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपसेट स्टमक होने के चांसेस होते हैं। और जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो उसे क्रश या तो च्यू मत करना, डायरेक्टली आपको उस टैबलेट को सॉलो करना है वाटर के साथ। और ये जो टैबलेट है वो आप रात के समय यदि लेते हैं तो वो मोर इफेक्टिव होती है, क्योंकि स्टडीज के अंडर ऐसे फाइंडिंग मिली है कि रात के समय हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए रात को ये टैबलेट लेते हैं तो ये मोर इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं हु शुड नॉट टेक दिस, मतलब ये इकोस्प्रिन टैबलेट कौन नहीं ले सकता। जो 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको नहीं लेना है। देन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना है। देन जो अस्थमा पेशेंट है, जिनको सेवियर अस्थमा है, उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, यदि कट वगैरह हो जाते हैं तो उनका ब्लड स्टॉप नहीं होता है तो उसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, उन लोगों को भी ये नहीं लेना है। और जिनको सेवियर लीवर डिसीज और किडनी डिसीज है उन पेशेंट्स को भी ये नहीं लेना है। और यदि उनको इकोस्प्रिन लेनी है तो पहले उनको डॉक्टर को कंसल्ट करके ये सब हिस्ट्री उनको बतानी है, उसके बाद यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो इस टैबलेट को ले सकते हैं। लास्ट में देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स एंड अनकॉमन साइड इफेक्ट्स। देखो, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, इनडाइजेशन एंड ब्लीडिंग, ये दोनों कॉमन साइड इफेक्ट्स है। देन अनकॉमन साइड इफेक्ट्स कौन कौन से है जो जनरली बहुत कम लोगों के अंदर दिखते हैं, वो है नौजिया, ओमेटिंग, देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और इंक्रीज अस्थमा अटैक्स, मतलब जो माइल्ड अस्थमा वाले पेशेंट है उनके अंदर अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये जनरली साइड इफेक्ट्स इकोस्प्रिन के वजह से दिखते हैं। तो ये सब कॉमन अनकॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कि इकोस्प्रिन टैबलेट के वजह से हमें दिखते हैं। साथ ही में ये जो इकोस्प्रिन है वो हम अभी कोविड में भी दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के अंदर क्लॉटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिन पेशेंट्स को कोविड होता है उनके अंदर क्लॉट्स ज़्यादा होते हैं, और जो कि हम डी-डाइमर टेस्ट करके उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने क्लॉट्स हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को भी ये इकोस्प्रिन टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू गाइज़।